अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप सारे बच्चे ठीक हैं? पढ़ाई आप लोगों की कैसी जा रही है? पढ़ते हैं बच्चों? आज हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो है वो है हमारा कायनात है। कायनात के बारे में आपको बताया है कि कायनात क्या है। कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है। कायनात में अल्लाह ताला ने बेशुमार चीजें पैदा की हैं। ये कायनात में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, ये इंसान के लिए कहीं कोई ना कोई फायदा दे रही होती है इंसान को। तो अल्लाह ताला ने हर चीज इंसान के फायदे के लिए पैदा की है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है शहद की मक्खी, तो शहद की मक्खी हमें बहुत फायदा देती है। शहद की मक्खियों से हमें शहद हासिल होता है, और शहद जो है इस शहद से मुख्तलिफ बीमारियां जो होती हैं दूर होती हैं। इससे मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाती हैं, अद्वियात तैयार की जाती हैं, और शहद की मक्खियों से हमें ये सबक मिलता है, कायनात में हमें ये सबक मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जो भी काम हम करें मिलजुल कर करें, मिलजुल कर हम काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा। अल्लाह ताला खुश होगा तो हमारे हर काम में बरकत होगी, तो इससे हमें फायदा होगा। मिलजुल कर काम करने से हमें फायदा होगा। शहद की मक्खियों से भी हमें बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। तो आज हम इस सबक की रीडिंग करेंगे। शहद की मक्खी सबक नंबर 11 है, पेज नंबर 42 है। ये देखें इसके फर्स्ट पे, शहद की मक्खी देखने में तो छोटी सी चीज है, मगर इसकी कुछ आदतें बहुत अच्छी और दिलचस्प हैं। दिलचस्प का मतलब होता है दिल को अच्छी लगती हैं, दिल को भाने वाली होती हैं। शहद की मक्खियां मिलजुल कर रहती हैं, वो एक दूसरे की मदद से शहद बनाती हैं, और अगर दुश्मन हमला करता है तो सब मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करती हैं। मुत्तहिद का मतलब है मिलजुल कर, इकट्ठे होकर। बहुत दिन पहले की बात है कि सिपाहियों का एक दस्ता दस्ता ग्रो किसी जंगल से गुजर रहा था। उन्होंने एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाला, पड़ाव डाला यानी क्याम किया, और आग जलाने की तैयारी करने लगे ताकि खाना पकाया जाए। करीब ही एक गडरिया भेड़े चरा रहा था। उसने जब ये देखा कि सिपाही दरख्त के नीचे आग जलाना चाहते हैं, तो फौरन इनके पास आया और ये कहा और कहा कि इस दरख्त के नीचे आग ना जलाएं, इस पर शहद की मक्खियों का छत्ता है। जब आग का धुआं छत्ते पर जाएगा तो मक्खियां उड़ेंगी और फिर हमला कर देंगी। इसके बाद है पेज नंबर 43। गडरिये की ये बात सुनकर सिपाही हंसने लगे। एक सिपाही ने कहा, मियाँ गडरिये, हम सिपाही हैं, हमारे सामने शेर भी आ जाए तो डर कर भाग जाता है। इन मक्खियों की क्या मजाल जो हम पर हमला करे। मजाल का मतलब होता है हिम्मत। गडरिया सिपाही की बात सुनकर खामोश हो गया और अपनी भेड़े चराने लगा। सिपाहियों ने आग जलाई, आग से धुआं उठा और मक्खियों के छत्ते तक पहुंच गया। गडरिये की बात सच निकली, मक्खियों ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि सिपाही बदहवास हो गए और उन्होंने तालाब में कूदकर बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई। शहद की मक्खियों का छत्ता एक छोटी सी रियासत होता है। इसकी सरदार और निगरान मलका मक्खी होती है। इसके अलावा बाकी मजदूर मक्खियां होती हैं जिनका काम फूलों से रस जमा करना होता है। जो सुबह होते ही रस की तलाश में निकल जाती हैं। कुछ मक्खियां सिपाही मक्खियां कहलाती हैं। इनका काम छत्ते की हिफाजत करना होता है। कुछ मक्खियों के जिम्मे छत्ते के लिए नई जगह के इंतखाब का काम होता है। कुछ मक्खियां छत्ता बनाने के काम में मसरूफ रहती हैं। मलका मक्खी अंडे देती है, बाकी तमाम मक्खियां इसकी खिदमत करती हैं। जब मलका मक्खी बूढ़ी हो जाती है और अंडे देने के काबिल नहीं रहती, तो मक्खियां दूसरी मक्खी को मलका बना देती हैं। मलका मक्खी की उम्र तकरीबन 5 साल होती है। कुरान मजीद में भी शहद का जिक्र आया है और बताया गया है कि शहद में लोगों के लिए शफा है। शहद शहद के मोम से मोमबत्ती और दूसरी कई चीजें बनती हैं। शहद खाने के काम आता है और दवा में भी इस्तेमाल होता है। बच्चों, ये हमारा आज का सबक था शहद की मक्खी। तो आपको सबक पढ़ के पता तो चला होगा कि शहद की मक्खियाँ किस तरह काम करती हैं। शहद की मक्खियाँ मिलजुल कर काम करती हैं
और मिलजुल कर काम करने से क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है, उस काम में बरकत होती है। तो हमें भी मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर सकें। अल्लाह हाफिज। बच्चों आप आगे देखें मश्क, सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर एक है, शहद की मक्खियां कैसे रहती हैं? इसका आंसर है, शहद की मक्खियां मिलजुल कर रहती हैं। आधा क्वेश्चन में से भी आपने करना है, शहद की मक्खियां मिलजुल कर रहती हैं। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर टू, सिपाहियों ने विद्रोह की बात का क्या जवाब दिया? इसका आंसर है कि हम सिपाहियों ने गडरिये की बात का जवाब दिया कि हम सिपाही हैं, हमारे सामने शेर भी आ जाए तो डर कर भाग जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री, मजदूर मक्खियों का क्या काम होता है? इसका आंसर हम क्वेश्चन से भी करेंगे, मजदूर मक्खियों का काम होता है फूलों से रस जमा करना। आगे क्वेश्चन नंबर फोर, मलका मक्खी क्या करती है? इसका आंसर है, मलका मक्खी अंडे देती है। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव, सिपाहियों ने किस तरह अपनी जानें बचाई? सिपाहियों ने तालाब में कूद कर अपनी जानें बचाई। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स, कुरान मजीद में शहद के बारे में क्या फरमाया गया है? कुरान मजीद में शहद के बारे में फरमाया गया है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है। अब हम आगे वाला पेज करेंगे, पेज नंबर 44। क्वेश्चन नंबर टू देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर एक है, सिपाहियों का दस्ता कहां से गुजर रहा था? नंबर एक है, दरिया से। नंबर दो है, जंगल से। नंबर तीन है, शहर से। सिपाहियों का दस्ता कहां से गुजर रहा था? नंबर टू ऑप्शन है, जंगल से। इसको हम टिक लगाएंगे। नंबर टू है, शहद की मक्खियों ने किस पर हमला कर दिया? नंबर एक, गडरिये पर। नंबर दो, बेड़ों पर। नंबर तीन, सिपाहियों पर। तो इसका तीसरा ऑप्शन है, शहद की मक्खियों ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। नंबर थ्री है, मलका मक्खी क्या मैया करती है? नंबर एक, अंडे देती है। नंबर दो, शहद देती है। नंबर तीन, रस चूसती है। तो इसका पहला ऑप्शन है, मलका मक्खी अंडे देती है, इसको हम टिक करेंगे। नंबर फोर है, मलका मक्खी की उम्र कितनी होती है? नंबर एक, तकरीबन 4 साल। नंबर दो, तकरीबन 5 साल। नंबर थ्री है, तकरीबन 6 साल। तो इसका दूसरा ऑप्शन है, तकरीबन 5 साल मलका मक्खी की उम्र होती है। इसे आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री, मानी लिखें। पहला, गडरिया बकरियां चराने वाला। गडरिया बकरियां चराने वाला, दिलचस्प, दिल को अच्छा लगना। इसे आगे पड़ाव डालना, क्याम करना। इसे आगे मजाल, हिम्मत। बदहवास, परेशान। रियासत, हुकूमत। निगरान, महाफिज। आगे देखें, दिए गए अल्फाज के हमने जुमले बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, बच्चों पहला जुमला देखें, हमला, मक्खियों ने सिपाहियों पर हमला किया। दूसरा है, शिफा, शहद में शिफा है। तीसरा है, शहद, शहद मीठा होता है। आगे है, तलाश, मक्खियां फूल तलाश करती हैं। उसे आगे है, मुताहिद, मक्खियां मुताहिद होकर रहती हैं। इसे आगे है क्वेश्चन नंबर फाइव, दर्जा जुमलों में हद कशीदा अल्फाज के मुतजाद लिखें। नीचे जो जुमले दिए हुए, इनके नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है रेड कलर में, इनके हमने मुतजाद लिखने, यानी उल्ट उल्ट लिखने। नंबर एक है, ये काम तुम्हारे लिए मुफीद है। मुफीद का उल्ट होगा बेकार, ये काम तुम्हारे लिए बेकार है। नंबर टू है, इस सूबे का गवर्नर बहुत सही है। सही का उल्ट होगा कंजूस, इस सूबे का गवर्नर बहुत कंजूस है। नंबर थ्री है, आयशा ने मैले कपड़े पहने हुए हैं। मैले का जो मुतजाद होगा, उल्ट होगा, वो है साफ।
आयशा ने साफ कपड़े पहने हुए हैं। नंबर फोर है, ये जंगल बरसों से आबाद है, तो आबाद का उल्टा होगा वीरान, ये जंगल बरसों से वीरान है। आगे है सेवन, दर्जा जुमलों को जमा जुमलों में तब्दील करें, ये जुमला बाद में दिया गया है, इसको हमने जमा में लिखना है। नंबर एक है, मैं आज स्कूल नहीं गया, इसको जब हम जमा करेंगे तो मैं की जगह हमने क्या लिखना है, हम आज स्कूल नहीं गए, गया की जगह हम क्या लिखेंगे, गे। आगे है टू, ये बच्चा बहुत जहीन है, बच्चे की जगह हम लिखेंगे ये बच्चे बहुत जहीन हैं, ए की जगह हम जमा कर देंगे हैं। आगे है थ्री, वो डॉक्टर के पास गया, हम इसको जमा करेंगे तो क्या लिखेंगे, वो डॉक्टर के पास गे, गया को हम गे में चेंज कर देंगे तो जमा बन जाएगा। इससे आगे है फोर, मेंढक तालाब में कुदक रहा था, इसकी जमा बनाएंगे, मेंढक तालाब में कुदक रहे थे, रहा था को हम जमा में कर देंगे तो आ जाएगा रहे थे। बच्चों ये आप आज हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज किया है, इसके आंसर क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पे आपने लिखने हैं, जुमले मानी ये चीजें आपने नोटबुक्स पे लिखनी है, और जो उर्दू भी का काम है मुज़ाद अल्फाज ये आपने उर्दू भी की नोटबुक पे लिखना है, और बाकी जो बुक का काम है वो बुक से याद करना है, किसी चीज की समझ ना आए तो आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।